मित्रों की so, स्वागत है आप सबका टू दिस सेशन जहां हम डिस्कस करेंगे एक नहीं दो दो केस स्टडीज ऑफ योर चैप्टर नंबर वन इवन यहां पे जो आईसीआई ने गड़बड़ कर रखी थी जिसको आईसीआई ने सुधार दिया है उसकी भी हम बात करके चलेंगे सबसे पहले आ जाते हैं सर केस स्टडी वन पे और मैं आपको बता देता हूं

अगेंस्ट द प्रोबेबल रॉन् डुइंग्स इन द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ कंपनी कहीं ना कहीं गुरप्रीत कहता है कि भाई साहब हम जब ऑडिट करते तो हम गारंटी नहीं देते यही बात शुभम सर ने भी सिखाई थी ऑडिट का मतलब एब्सोलूट एश्योरेंस नहीं होता रीजनेबलोरेंस होता है तो यह कहता है वॉट काइंड ऑफ एश्योरेंस ऑडिट प्रोवाइड तो हम सबको पता है ऑडिटर क्या देता है सर रीजनेबल एश्योरेंस अब रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या सीखा था हमने सीखा था रीजनेबल इश्योरेंस का मतलब होता है इट इज अट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस जल्दी से एक बार अपने नोट्स पे आओ देखो देखो क्या वो पेड़ है हाँ सर रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब है बड़ा बड़ा लिखा है इट इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोलूट लेवल ऑफ एश्योरेंस सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी जहां पे लिखा है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस यही आपका सही आंसर बन जाएगा क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है हाँ सर सेकेंड थिंग क्या कोई केस स्टडी पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं सर अब आओ क्वेश्चन नंबर टू पे रोहित एडेड दैट ऑडिटर कैन फोर्स एन एम्प्लॉय टू प्रोवाइड हिम द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आप मुझे बताओ कभी भी ऑडिट में मैंने आपको कहा कि सामने वाले का गला पकड़ लो सामने वाले की एकदम जान ही निकाल दो इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं सर बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड काम है आप इंप्लॉय से इंफॉर्मेशन मांग सकते हो मैंने कहा क्या मतलब था ऑडिटर को क्या चाहिए आओ आओ का क्या मतलब था ऑल इंफॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अनिस्ट्रिक्टेड एक्सेस बट इस सब में मैंने कभी नहीं कहा कि आप सामने वाले को फोर्स करोगे तो एक बात है आप मांग सकते हो इंफॉर्मेशन बट आप फोर्स नहीं कर सकते तो क्या ऑप्शन ए और बी गलत हो गए हाँ सर ये गलत हो गए अब सी और डी दोनों नो कहते हैं अब देख तो क्या कहता है ये कहता है नो ही कैनोट डू ही कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स बट इट कैनोट बी फोर्स बाय हिम सर ये तो बिल्कुल सही बात लग रही है डी कहता है ही हैज नो राइट ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन मैंने कहा भाड़ में जाओ तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अब आ जाओ क्वेश्चन थ्री पे अली माय नेम इज अली सुन जरा मंच सरे कौन सी फिल्म का गाना है धूमनी देखी तुमने धूम मचाले अली हैड लिसन इन वन ऑफ द क्लासेस दैट ऑडिट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी हमने तो पिछले ही सेशन में ये बात की थी जो हम स्कोप ऑफ ऑडिट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे क्या ऑडिटर ऑल एस्पेक्ट्स कवर करता है या ओनली द एस्पेक्ट्स विच आर रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर ओनली द एस्पेक्ट्स विच आर रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्या अली गलत गलत पढ़ के आए हां सर अली गलत गलत पढ़ के आए अली को वापस क्लासेस लगवाओ मैंने कहा अली आ जाओ फास्ट ट्रैक बैच में या रेगुलर बैच में अब इधर देखो <laughs> गोरेटी सर एक तो नाम भी पता नहीं कहाँ से लाए हैं गोरेटी ऑल्सो सीम टू बी इन एग्रीमेंट विद हिम बट शी वॉज ऑफ द व्यू कि इसके अलावा ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज टू कवर ऑल एंटिटी मुझे अगेन बताओ क्या हम एंटिटी के सारे एरियाज़ कवर करेंगे ओनली एरियाज अगेन विच आर रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर यहां पे भी इट शुड बी रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सारे बच्चे बताओ क्या अली सही है मैंने कहा गलत है गोरेटी सही है गलत है क्या दोनों सही है जो दोनों ही गलत है आंसर इज दोनों ही गलत है तो थर्ड का आपका आंसर डी होना चाहिए एक बार फटाफट -फड़ चेक कर लेते हैं फर्स्ट का सी टू का सी थर्ड का डी आई होप यू गॉट द पॉइंट ठीक है सर अब आ जाओ क्वेश्चन फोर पे ऑल ऑफ देम अबाउट द ऑफ ऑडिटिंग हमने भी क्लास में पढ़ा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट पहली चीज ये कहता है ऑडिटिंग इज कनेक्टेड टू फ्यूचर इवेंट्स ज्योतिषी थोड़ी है ज्योतिषी थोड़ी है ये तो बल्कि हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन थी कि हम फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सो ऑडिट इन्फॉर्मेशन कैन बी रिलाइड अपॉन बाई यूजर्स आंसर इज नो दिस इज नॉट अ बेनिफिट दिस इज अवर इनहेरेंट लिमिटेशन कि हम फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स पे ओपिनियन नहीं दे सकते ठीक है बाकी तीनों कहीं ना कहीं आई थिंक बेनिफिट्स हैं एरर और फ्रॉड्स मे बी डिस्कवर्ड पक्का नहीं है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इसका फायदा होता है uh, क्या कहते हैं टैक्सेशन लाइबिलिटी कैलकुलेट करने में या अगर उनको सामने वाले को क्या कहते हैं क्या देते हैं वो

क्या आपको लास्ट क्लास याद है जब हमने स्कोप ऑफ ऑडिट कवर किया था वो दस मिनट वाली क्लास उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी जेन्यस हम नहीं चेक कर सकते दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिटर आंसर इज यस तो ये कहता है कि इसमें से बताओ सबसे ज्यादा क्या है पहला पॉइंट इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर टू रिलाई ऑन द फेब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट भाई रॉन्ग कैसे हम क्या ही कर सकते थे ठीक है तो ये तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया आपको बताना अप्रोप्रियट क्या है ऑल दो इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर ही कैनॉट डू एनीथिंग इन दिस मैटर

अगला कहते हैं मैनेजमेंट कैन नॉट मिसलीड द ऑडिटर ड्यू टू हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड मैंने कहा था ऑडिटर की इस एरिया में नहीं है सो यस सर पानी के दो तो घूंट लगाओ चलो केस स्टडी टू पे चलते हैं। अब देखो सर केस स्टडी टू में सबसे पहले आ जाओ इस पे क्वेश्चन नंबर वन ये क्वेश्चन नंबर वन आपका अधूरा है सर आपको कैसे पता बताइए हमारा क्वेश्चन नंबर वन अधूरा है मैंने आईसीआई की साइट खोली ठीक है मैंने आईसीआई की साइट खोली बम बम बोले दिल के राज खोले बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल खोले जब आप जाओगे स्टडी मटेरियल न्यूज स्कीम पे इंटरमीडिएट पे इंग्लिश मीडियम खुल जा भाई जाओ अगर आप देखो यहाँ पे ना इन्होंने ऑडिट का कोरिजॉन्डम दे रखा है ठीक है और इन्होंने बोला चैप्टर वन की जो केस स्टडी है उसमें आपने चेंज करना है तो ये चेंज क्या करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बता दिया तो देखो क्या करना है आप यहां पर लिखो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज इंगेज सी ए पी टू इश्यू अ ड्यूली साइन रिपोर्ट फॉर हाफ ईयर एज इन द लास्ट पैर ऑफ केस स्टडी तो बस आपने इसमें एक चीज करके चलनी है एज रेफर्ड इन द लास्ट पेयर ऑफ केस स्टडी तो यह कह रहा है बताओ कौन सा स्टैंडर्ड रेलिवेंट होगा अब लास्ट पैरा में देखो क्या होता है कंपनी क्या दे रही है सर कंपनी आपको ट्रायल बैलेंस दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही है वो भी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रिलिमिनरी फॉर्म में साथ ही साथ आपको अकंपनिंग रिकॉर्ड्स दिए जा रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि हमको ड्यूली साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए विद अ रिपोर्ट फॉर म्यूचुअली एग्रीड प्रोफेशनल फीस सारे बच्चे दिल पे हाथ रख के बनाना बताना मुझे क्या आपको पका पकाया खाना दिया गया है या आपको खाना बनाने की सामग्री दी गई है फटाफट फड़ बता दो जिन बच्चों को सामग्री नहीं पता मैं बोलता हूं इंग्रेडिएंट्स जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं मान लूंगा बट तुमको बताना पड़ेगा क्या तुमको पका पकाया खाना दिया गया कि तुमको एकदम फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दिए और बोला सीए साहब हमको इसका ऑडिट और रिव्यू करके दे दो या तुमको सामग्री दी गई है इंग्रेडिएंट्स दी गए हैं और बोला इससे हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दो सर ध्यान से समझना आपको सामग्री दी गई है आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया आपको ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए गए आपको उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड दिए गए ताकि आप ये कंपाइलेशन करके दो आप चीजों को कंपाइल करके दो तो मुझे एक बात बताओ क्या इस पे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग लगेगा नहीं आप ऑडिट तो नहीं कर रहे क्या इसमें स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट लगेगा नहीं सर रिव्यू के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए थे वो नहीं है अब इसमें क्या कोई और अश्योरेंस एंगेजमेंट है मैंने कहा नहीं तो जब आप मैनेजमेंट के लिए चीजें कंपाइल कर रहे हो तो सर ये किस में जाएगा रिलेटेड सर्विस में जाएगा ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस में जाएगा जिसके अंदर दो प्रोसीजर आते हैं अगर नहीं पता तो एक पोस्टेड स्लिप ले लो और उस पर लिख लो एस में दो सर्विसेज आती है सर क्या एक आती है कंपाइलेशन एंगेजमेंट जिसमें आपको मैनेजमेंट सामग्री देती है और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देते हो दूसरा आते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या नाम बताया मैंने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर सर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में क्या होता है मैनेजमेंट ही आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है मैनेजमेंट ही बोलती है कि आपको डेटर्स चेक करने हैं और उन डेटर्स को चेक करने के जो प्रोसीजर्स हैं वो भी मैनेजमेंट बताती है तो अगर ऐसी कोई एंगेजमेंट है जिसमें आप मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हो उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल कर रहे हो या फिर आप चीजों को चेक कर रहे हो उन्हीं के बताए प्रोसीजर्स के थ्रू तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस तो सारे बच्चे बताओ इसमें क्या आएगा क्या इसमें रिव्यू आएगा मैंने कहा नहीं रिव्यू तो नहीं आएगा क्या इसमें ऑडिट आएगा आंसर इज नो ऑडिट भी नहीं आएगा सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मेरे बहुत बच्चों का डाउट आ रहा था तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था मैं इसको कैसे कैटर करूं क्योंकि मेरे को भी लग रहा था कहीं ना कहीं इसमें रिव्यू एंगेजमेंट आना चाहिए क्योंकि हाफ ईयरली इन्फॉर्मेशन चेक हो रही है बट अगर आप ध्यान से लास्ट पैरा पढ़ो तो लास्ट पैरा से आपको एक क्लैरिटी दी जा रही है कि आप चीजों को चेक नहीं कर रहे आप मैनेजमेंट के लिए वो रिपोर्ट बना रहे हो और उसको साइन करके दे रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनकर तैयार हो चुके हैं ठीक है एंड आई एम वेरी हैप्पी आईसीआई ने भी इस पर क्लैरिटी दे दी ताकि मैं भी आपको इस पर क्लैरिटी दे पाया ठीक है सर अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन द गिवन केस सिचुएशन देखो क्या कहता है ये कहता है सी पी कैन असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउएवर

न असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैन इशू अंपाइलेशन रिपोर्ट यह सही है सो द राइट आंसर शुड बी ऑप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कंपनी की मैनेजमेंट की है सी ए पी कैनोट असिस्ट द मैनेजमेंट ही कैन इशू अ रिव्यू रिपोर्ट देखो अगेन हर कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर सकती है हर कंपनी के पास ये चॉइस है कि वो किसी सी ए फॉर्म से

कहता है एक्सक्यूसीकेबल एस सी ए पी कैनोट इशू ऑडिट रिपोर्ट मैंने कहा नहीं आप मुझे बताओ जो एक्सक्यूसिव वन था स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल वन उसका नाम क्या है सर उसका मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फॉर्म अब वो फर्म कोई भी काम करे वो फर्म चाहे ऑडिट करे चाहे वो फर्म रिव्यू करे चाहे वो फर्म कोई ऑडिट करे रिव्यू करे बाकी अशोरेंस एंगेजमेंट करे जिसमें अपना ओपिनियन देना है या वो बाकी रिलेटेड सर्विस दे हमको फर्क नहीं पड़ता एक्सक्यूसी वन एप्लीकेबल रहता है तो ये कहता है एक्सक्यूसी वन इज नॉट एप्लीकेबल एक्सक्यूसी वन इज नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल वाले तो सारी हट गए किस पे टिक करेंगे मैंने कहा सी एसक्यूसी वन इज एप्लीकेबल ऑन सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट तो ये आपने एक शायद और नई चीज सीखी सर क्या एसक्यूसी हर टाइप ऑफ एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल है ऑडिट यस सर रिव्यू यस सर और कौन सा होता है अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट यस सर एंड लास्ट में हमारे पास बचा क्या ये रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट जिसमें कंपाइलेशन और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर आते हैं इसमें भी एसक्यूसी वन एप्लीकेबल हो जाता है क्लियर है बॉस क्लियर है सर अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर पे सारे बच्चे चैन की सांस अंदर एंड विदाउट अब देखो क्वेश्चन फोर क्या कहता है बैंकर ऑफ कंपनी है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज रेलिवेंट इन सच सिचुएशन तो सारे बच्चे मुझे बताओ क्या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से कोई लेना देना है नहीं सर तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट तो नहीं लगेंगे तो जो बाकी स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं बाकी अश्योरेंस एंगेजमेंट वो इस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे तो रिव्यू तो नहीं लगेगा और बाकी स्टैंडर्ड है तो नो no स्टैंडर्ड भी नहीं है रिलेटेड सर्विस भी नहीं है रिलेटेड सर्विस में क्या क्या आए थे कंपाइलेशन और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर तो ये भी नहीं है एंड लास्ट में हमारे पास बचा स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट तो दिस विल बी द राइट आंसर क्लियर है क्लियर है सर एड अब आता है क्वेश्चन नंबर फाइव सपोज सी ऑल्सो वर्क फॉर द इश्यूंगा स्टेटमेंट और उसमें प्रोजेक्टेड टर्न ओवर पिछले अगले सालों का एंड अभी का टर्न ओवर है पच्चीस करोड़ तो आप बताओ इस केस में मोस्ट अप्रोप्रिएट कैप क्या आप प्रोजेक्टेड डेटा की एरिथमेटिकल एक्यूरेसी देख सकते हो नहीं सर हम ज्योतिषी तो नहीं है हम ज्योतिषी तो नहीं है तो इसकी एक्यूरेसी तो नहीं देख सकते बट हम अजम्शन देख सकते हैं

या हमारे जो यूजर्स हैं जिनके लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है उनको उस अजम्पन को हमें डिस्कलोज भी करना चाहिए प्रेजेंट भी करना चाहिए सर तीनों चीजें होनी चाहिए रीजनेबल भी भी होनी होनी चाहिए चाहिए प्रेजेंट भी होनी चाहिए अगर आप देखो तो यही बात आपके नोट्स में भी लिखी हुई है क्या बात कर रहे हो सर देखो यहां पर यह बात लिखी हुई है कि आपने देखना है अजम्शन आर रीजनेबल ठीक है प्लस साथ ही साथ आप इसमें क्या देखते थे सर हम इसमें देखते थे दैट ये जो अजम्पन्स हैं दीज आर प्रॉपरली प्रेजेंटेड एंड दे आर एडिक्वेटली डिस्क्लोज क्या आपको ये बेसिक बात समझ आई हां सर यही बात हमने यहां पे सीखी भी थी सर क्या कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अजम्पन शुड बी रीजनेबल एंड दे शुड बी एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्कलोज सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी गॉट द पॉइंट और नॉट येस सर तो यह दो केस के स्टडीज थी जो कहीं ना कहीं पेंडिंग चल रही थी सो आई थॉट ऑफ कवरिंग विद यू मैं आपको एक छोटा सा एक समरी दे देता हूं ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एंगेजमेंट फटाफट देखो सर दो तरह की एंगेजमेंट होती है हमारे पास क्या एक होती है अश्योरेंस एक होती है नॉन अश्योरेंस तुमको ना मजा आ जाएगा यह देख के जो नॉन अश्योरेंस होती है उस पर बताओ कौन सा स्टैंडर्ड लगता है सर इस पर लगता है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस क्या लगता है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस जिसमें दो चीजें आ जाती है सर क्या एक तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट जिसमें आप मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो एंड साथ ही साथ इसमें कौन सा एंगेजमेंट आई थिंक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स जिसमें जैसा मैनेजमेंट कहेगी वो प्रोसीजर्स करके हम उनको रिपोर्ट दे देंगे मुझे एक बात बताओ क्या आप इसमें कोई अश्योरेंस देते हो फटाफट -फ़ड़ बताना क्या आप इसमें कोई अश्योरेंस देते हो मैंने कहा नहीं जो हमें काम दिया जाता है बस हम वो काम करके दे देते हैं ठीक है सर अब बात आती है अश्योरेंस एंगेजमेंट की अब सर अश्योरेंस में आती हैं तीन चीजें पहली जो दो चीजें हैं वो किसको लेके हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको लेके हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अब इसमें देखो आपकी जो अश्योरेंस है क्या वो रीजनेबल अश्योरेंस है या वो लिमिटेड अश्योरेंस है अगर तो रीजनेबल अश्योरेंस है इसका नाम है ऑडिट और इस पर लगते हैं क्या स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अगर ये लिमिटेड अश्योरेंस है तो इसका नाम क्या हुआ सर इसका नाम हो गया रिव्यू और इस पर लगेगा एसआर स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट ठीक है सर अब अगर ये कोई अदर है ये कोई अदर केस है सर अदर केस का क्या मतलब है कोई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कोई आपने एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने हैं तो इसमें लगते हैं स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट जो बाकी कवर हो जाते हैं तो बस यही बात आपने समझनी है एक है ऐसे एक है एसारी एक है स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड एक है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस और इन सब में ही क्वालिटी होनी चाहिए इन सब में ही प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए तो इन सब पे क्या लगता है जल्दी से बताओ इन सब पे क्या लगता है सर इन सब पे लगता है आपका एसक्यूसी वन ठीक है, so, कहीं ना कहीं आई होप ये जो 18 मिनट्स का सेशन था जिसमें हमने दो केस स्टडीज कर ली और ये सारे इंगेजमेंट्स को डिस्कस किया इससे आपको भरपूर प्रेम पूर्वक ढेर सारी क्लैरिटी आ गई होगी थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन यू ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे लगे रहो मित्रों